हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी डिस्कशन में आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। आई होप इसके पहले के जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सारे क्लियर होंगे, आपने सारे क्वेश्चंस भी अच्छे से कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो दे रखा है, एक्स की पावर 4-1, थोड़ा सा पैटर्न चेंज है यहाँ पर, आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, इस फैक्टर में इसे ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डी एक्स अपॉन में एक्स का स्क्वायर माइनस वन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना। x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4 लिखूंगा तो 1 ही होगा, उसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। इसे मैं और ब्रेक कर सकता हूँ, इसे और क्या लिख सकता हूँ मैं, डी एक्स अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 1, और ये आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, गॉट इट। अब इसे हमें पार्शियल फ्रैक्शन के टर्म में अरेंज करना है, तो कैसा हो जाएगा, 1 अपॉन में x माइनस 1 एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए अपॉन में x माइनस 1 प्लस बी अपॉन में आपका हो जाएगा x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में क्वाड्रेटिक टर्म में आ गई, तो यहाँ पर सी एक्स प्लस डी लेंगे, सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगेन वही आपको एलसीएम लेना, तो 1 लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही बचेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। बी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँगा तो एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और सी के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई उसमें होगा केवल, अच्छा सी एक्स प्लस डी होगा यहाँ पर हमारे पास, सी एक्स प्लस डी में मल्टीप्लाई होगा किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही दो रूट्स तो हमारे पास अवेलेबल है, एक x माइनस 1 को 0 रख सकता हूँ, एक x प्लस 1 को 0 पुट कर सकता हूँ। तो जब मैं x माइनस 1 को अगर 0 रखूँगा तो कितना आ जाएगा x इक्वल टू 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख दीजिए, तो x इक्वल टू कितना गया 1, इस 1 को हम इसमें पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो x है ही नहीं, जब 1 रखूँगा तो ये फैक्टर हमारे पास आएगा, b और c क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस 1 0, यहाँ पर 1 माइनस 1 0, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, ए 1 प्लस 1, ये भी आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 1, 2 और 2 4, तो ए का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 1/4, गॉट इट। चलिए सेकंड फैक्टर बात करूँ, x प्लस 1 को 0 रख लीजिए, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1, अगर आपके पास x इक्वल टू माइनस 1 आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वापस पुट कर दीजिए 1। अब यहाँ पर ये टर्म हमारे पास हट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए वाला भी हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, 0 वैल्यू आ जाएगा उसका, बी का वैल्यू हमारे पास निकलेगा, तो बी माइनस 1 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा तो 1 प्लस 1, अगेन ये बी का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 1/4, ठीक है ना। सी के लिए बात करें, अब सी के लिए हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है, फैक्टर नहीं है तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन बन रही है मैक्सिमम, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स का एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब बनेगा, एक्स का एक्स स्क्वायर में बी ए बी एक्स क्यूब बनेगा, सी एक्स का एक्स स्क्वायर में करूँगा तो ये भी क्यूब बनेगा, तो कंपेयर कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, कॉफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स क्यूब है ही नहीं, तो यहाँ तो आ जाएगा 0, यहाँ पर जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, क्या हमारे पास ए और बी का वैल्यू है, तो सी का वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 इक्वल टू ए था 1/4, बी था माइनस 1/4 सी, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, सी का वैल्यू आ जाएगा 0, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। डी को कैलकुलेट करना है तो डी के लिए हम क्या लेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म ले लेते हैं, जब यहाँ 1 का 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आएगा, यहाँ 1 का 1 में करूँगा तो बी आएगा, या डी का इसमें करूँगा तो माइनस आएगा। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड पर आपका कॉन्स्टेंट है तो 1 इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये डी के लिए ना, ये हो जाएगा ए, ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस ऑफ बी, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस ऑफ डी, तो 1 इक्वल टू 1/4 माइनस माइनस 1/4, क्योंकि बी का वैल्यू नेगेटिव था, माइनस डी 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4 1/4 1/4 1/2, उसे इधर लेके आएंगे और इसे जब ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 1/2, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा डी का माइनस 1/2। ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया, चारों को यहाँ तक नोट करिए पहले,
क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे हम इसे कर सकते हैं, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप आगे कहीं उलझे ना। चलिए आप क्या करेंगे, इसके बाद सारी वैल्यूज अगर आ गई तो इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, क्या ये कैमरे के अंदर आ रहा है? यस। पहला ए का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना हमारे पास, 1/4, तो दैट इज 1/4 एक्स माइनस वन ऑफ डी एक्स, कॉट इट। प्लस बी का वैल्यू -1/4 है, तो माइनस का 1/4 एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ठीक है ना। सी एक्स प्लस डी है हमारे पास, क्या दे रखा है, सी एक्स प्लस, तो सी का वैल्यू तो हमारे पास 0 है, डी का वैल्यू -1/2 है, तो ऑनली क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 1/2, ये लिखा मैंने डी एक्स, और ये कितना आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेशन बात कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 आपका बाहर, 1/(x-1) का log x-1 हो गया, ये माइनस का 1/4 log, अच्छा ये x प्लस, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, x प्लस 1, यहाँ से 1/2 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये टेन इनवर्स वाला फार्मूला हो जाएगा, तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई ए मतलब एक्स बाई 1, तो दिस इज द आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, थैंक यू।